ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करके मैं उनके दिव्य उपदेश श्रीमद् भगवद गीता जो उन्होंने अर्जुन को दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। सार रूप को जैसा मैंने समझा वैसा आज तीसरे अध्याय पर चर्चा करते हैं। तीसरा अध्याय है कर्मयोग अध्याय। हमारे भारतीय जनमानस में एक धारणा बन गई, आम धारणा जो प्रचलन में भगवद गीता के बारे में, इसको विडंबना ही कही जाएंगी। भगवान कृष्ण का इतना दिव्य उपदेश जो जीवन परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, किसी भी उम्र में किसी भी क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का यदि कोई इसको समझ लेता है तो जैसा वो आज है वैसा कल नहीं रहेगा। इसको समझने के बाद, गीता को समझने के बाद, जो भी समझ लेगा इसको उसका जीवन रूपांतरित हो ही जाएगा। ये जीवन बदलने का बहुत बड़ा रसायन है श्रीमद् भगवद गीता। और धारणा क्या बन गई, धारणा ये बन गई इसकी कि गीता उसका पाठ तो मृतक आत्माओं की शांति के लिए किया जाता है। प्रायः लोग श्राद्ध पक्ष में गीता का पाठ करते हैं, अपने अपने परिवार के मृतक जो आत्माएं हैं, पितृ हैं, उनकी शांति के लिए। अभी तो हम युवा हैं, अभी तो हम जीवित हैं, नित्य गीता पाठ का क्या मतलब। और जो पाठ करते हैं वो भी इस कामना से करते हैं कि हमें जीवन में मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बस ये समझ करके इसका केवल पाठ करते हैं। कृष्ण कह क्या रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं, वो समझते ही नहीं, तो लाभ क्या होना है गीता पाठ का, कुछ भी नहीं। एक मृत व्यक्ति जो मरने वाला मरणासन्न अवस्था है उसको गीता सुनाई जाती है, ये कामना के साथ कि अब मोक्ष हो जाएगा, इनको सुनाने से इनको मोक्ष प्राप्त होगा, इनको स्वर्ग प्राप्त होगा। ये बात किस तरह से सही कैसे हो सकती, थोड़ा विचार करें। एक व्यक्ति जो मरणासन्न जो कुछ कर नहीं सकता, उसे जो कुछ करना था वो कर चुका, हो चुका सब कुछ। अब गीता सुनाओ या मत सुनाओ, जैसा उसने जीवन जिया है, जो कुछ जीवन में किया है उसके अनुरूप उसके जीवन की गति तय हो चुकी। अब गीता सुनाइए या मत सुनाइए क्या फर्क पड़ता है, गीता किसे फर्क पड़ सकता है। गीता जीवन परिवर्तन का मार्ग माध्यम हो सकती है, कब, जब जीवन के प्रारंभ में गीता को समझ लिया जाए। तो ये युवाओं के काम का है, न कि वृद्ध के जो मरणासन हो चुके उनके काम का। जो व्यक्ति अभी कर्म में प्रवृत्त हुआ ही है, जीवन में उसने पदार्पण किया है, जीवन को जीना है, उसको कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया है, चाहे वो व्यापार हो चाहे नौकरी हो कुछ भी, और उसी समय उसको एक लक्ष्य मिल जाता है, वो बुद्धि का प्रयोग करता है, अपने विवेक का प्रयोग करके एक लक्ष्य निर्धारित करता है और पूरे मनोयोग से उस कर्म में लगता है, अपने पूरे शरीर की क्षमता से आलस्य को त्याग करके अपना कर्म करता है और इस बात की चिंता नहीं करता बिल्कुल भी कि मुझे इसका फल क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई ध्यान नहीं, इसका कोई भान नहीं। उसे जीवन में जो भी कुछ वो कर रहा है उसमें सफल होने से कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत ऐसे व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। तुम्हें क्या करना चाहिए, जो युवा हैं, जो अभी जीवन में कर्म क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं, उन्हें गीता की प्रेरणा देनी चाहिए, गीता को समझने की बात उन्हें समझानी चाहिए। और सार क्या है उसका, कर्मयोग क्या कहता है, कर्मयोग का एक ही संदेश कि बुद्धि विवेक से हम बिल्कुल हमारे अनुरूप जैसा हम कर सकते हैं, जैसा चाहते हैं वैसी योजनाएं बनाएं, उसमें पूरे मनोयोग से हम मेहनत परिश्रम करें, शरीर की पूरी क्षमता से हम श्रम करें, जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी।
भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, कर्मयोग का सार यही है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो वो है कर्म। कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही व्यक्ति को बनाता है और कर्म ही व्यक्ति को बिगाड़ देता है, कर्म ही जीवन को बनाता है और कर्म से ही जीवन बिगड़ जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, सबसे कई श्लोक, हर श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन जिनका प्रचार बहुत हुआ जिस श्लोक का, वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस यही लाइन आगे की, आगे भी तो वो कुछ कह रहे, आगे वो कह रहे हैं मा कर्म फल हेतुर भूर्माते संगो अस्तु कर्मणि, इसकी कोई बात नहीं करता, ये लाइन नहीं बोली जाती, बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसी पर जोर दिया जाता है। क्या है इसका अर्थ? जो अर्थ बताया जाता है, जो प्रचलित, जो बरसों से गीता पाठ करते हैं नियमित से, नियम से पूरा होता है 18 अध्याय फिर प्रारंभ कर देते हैं, उनसे भी पूछो तो सार कहते हैं इसका, इसका सार ये है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में, फल में नहीं। वो चाहे ईश्वर हो, चाहे मालिक, सेठ, कोई भी, वो फल दे ना दे, फल मिले ना मिले, ये उसकी मर्जी, हमारा तो अधिकार केवल कर्म करने में, यही अर्थ समझा जाता है अधिकांश रूप में और समझाया जाता है। जबकि वास्तविकता ये है, वो अर्जुन से कहते हैं कि इसका युद्ध का परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा, हार मिलेगी या जीत मिलेगी, ये तुझे सोचने का अधिकार नहीं है, तुझे अधिकार है केवल अपना कर्म करने का, और आज के समय तेरा कर्म बन पड़ा है युद्ध करना, तो तू युद्ध कर, क्यों हथियार डालता है, फल की चिंता क्यों करता है कि हारूंगा जीतूंगा, अपनों को मारने से क्या होगा क्या नहीं होगा, इन बातों की चिंता मत कर। और यह सोच करके कि फल क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, यदि तू कर्म नहीं करता है वह भी उचित नहीं है। अकर्मी बनना वह भी ठीक नहीं है, कर्म तो तुझे करना ही है। तो फिर इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हमें लक्ष्य में फल को तो रखना ही नहीं चाहिए, फल पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, फल तो कहीं जाना ही नहीं, फल तो मिलना ही मिलना है, कर्म का जैसा कर्म वैसा फल, यही महत्वपूर्ण है। इसलिए फल को लक्ष्य में न रख करके कर्म को लक्ष्य में रखना चाहिए, कृष्ण का यही उपदेश, इस श्लोक का सार यही यही समझा रहे हैं। और आज के समय में, आज के संदर्भ में हमें चाहिए, हमें इस तरह से लें कि हम अपने जीवन में जो कुछ श्रेष्ठतम कर सकते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा से जो कुछ कर सकते हैं वो करें, फल की चिंता नहीं करें, फल के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं, मिलेगा या ना मिलेगा ये सोचने की आवश्यकता नहीं, फल क्या है क्या मिलेंगे उसका हिसाब किताब लगाना ये जरूरी है, यह आवश्यक है, यह पहले निश्चित कर लें, और उसके बाद मन में कर्म करते समय ये शंका नहीं आनी चाहिए कि मैं कर तो रहा हूँ, इतना मेहनत, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना ये, इतना वो, क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं, फिर इस बात की बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो तो लगा हुआ है, जैसे कागज़ के साथ एक कागज़ लगा होता है आलपिन से, उसी प्रकार से आपके कर्म के साथ आपका फल जुड़ा हुआ है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो स्टेपलर की पिन लगी हुई है उसमें, एक नहीं दो तीन, कहीं जा ही नहीं सकता। यही सार है, यही समझना है, इस श्लोक का सार ही यही है, कर्म योग यही योग। योग का अर्थ होता है जोड़, जुड़ाव, जुड़ाव किससे? कर्म से। आप कर्म से जुड़ जाइए, फल कहीं नहीं जाएगा, फल आपसे स्वतः जुड़ जाएगा, फल तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, यही कृष्ण का मूल सार है। कृष्ण आगे कहते हैं
कि इंद्रियाणि मनो बुद्धिर्यस्य अधिष्ठानम उच्यते एतेर्विमोहयत्तेषु ज्ञानम आवृत्त देहिनम। क्या अर्थ है इसका? इंद्रियां यानी हमारे शरीर के अंग, मन और बुद्धि, इन तीनों से व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए और उस कर्म के प्रति मोह का भाव नहीं होना चाहिए। बहुत सूक्ष्म बात है। क्या समझे हम? तात्पर्य क्या लें आज के समय में? मन बुद्धि, मन और शरीर इंद्रियां, ये सब एक दिशा में कार्य करें। बुद्धि से हम किसी भी प्रकार की योजनाएं बनाएं, सोचें, विवेक से कार्य लें, क्या करना है हमारे लिए, क्या उचित है क्या उचित नहीं है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, यह निर्धारित करें। और फिर जो लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया है, हम उसमें फिर पूरे मनोयोग से लगें। मन से लगेंगे तभी सफलता मिलेगी। किसी भी कार्य को अधूरे मन से करने पर सफलता नहीं मिलती। और जो हमारी इंद्रियां या हमारी शरीर इसको कहें, उसके पूरी क्षमता का उपयोग हमें हमारे कर्म को करने में करना चाहिए। आलस्य की भावना नहीं आनी चाहिए। सीधी सी बात, जब किसी भी कार्य को करें, जब किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी कर्म में प्रवृत्त हों, तो आलस्य की भावना बीच में आने के कारण उस कर्म को किसी भी तरह से बीच में अधूरा छोड़ने की आवश्यकता नहीं या ढील देने की आवश्यकता नहीं, उसमें लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं। यदि जीवन में, कर्म में हम वो सफलता चाहते जो हमारा लक्ष्य है, तो बुद्धि से, विवेक से निर्धारित करने के बाद जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस पर पूरे मनोयोग से लगे और शरीर की पूरी क्षमता से, पूरी तात्पर्य उसका, पूरी मेहनत से उस कार्य में प्रवृत्त हो जाएं। जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जिसे कोई प्राप्त न कर सके। फिर क्षेत्र कैसा ही हो, वो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, वो जीवन में किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले, चाहे राजकीय हो या फिर किसी प्राइवेट नौकरी की हो, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए, या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें होता ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ये, जब मंत्र चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे लक्ष्मी साधना कर रहे हैं, सरस्वती साधना कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का, तो जब जप करते हैं, जब साधना के क्षेत्र में लक्ष्य पहले निर्धारित, कुछ किया नहीं अभी, करने से पहले ये मालूम कर लेना चाहते हैं कितनी बार करना पड़ेगा, कितने दिन में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो निश्चित मान लिए, ये जब धारणा है तो निश्चित रूप से नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कर्म करने से पहले ही हम सारा का सारा फोकस, सारा ध्यान हमारा किस पे है? फल के ऊपर। कर्म के प्रति हमारा जो लक्ष्य, जो मेहनत, जो तन्मयता होना चाहिए वो है ही नहीं, तो फल मिलेगा कैसे? फिर क्षेत्र कैसा भी हो, नहीं मिलना है, तय। ये नहीं कि हम कर्म करें, फल मिले चाहे नहीं मिले, या फिर योजना कुछ मन से लग रहे हैं, आधे मन से, थोड़ा सा भी आराम महसूस हुआ, आधा छोड़ा, आधा ध्यान आराम में, शरीर की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं, बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं, किसी भी प्रकार के मोह से हम पढ़ करके हमारे कार्य क्षमता को प्रभावित कर लेते हैं, फिर चाहें कि हमें पूर्ण रूप से सफलता मिल जाए, कैसे मिल पाएगी? तो हमें पूरे जीवन में अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके एक लक्ष्य निर्धारित करना है, पूरे मनोयोग से उस कार्य में लगना है, अपनी पूरी शारीरिक मानसिक क्षमता से उस कार्य को करना है। फल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, जो भी हम लक्ष्य तय करके चलेंगे, जो कुछ पाना चाहेंगे, हमें अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। कृष्ण भगवान की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से मैं शायद जितनी मेरी क्षमता जो कुछ समझ पाया, गीता के सार को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
हमारी संस्कृति के जो मूल आधार हैं, जिन सबका एक वैज्ञानिक तर्कसंगत आधार है, ज्योतिष है, वास्तु है, मंत्र विज्ञान है, सब उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने के परिजनों को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो। भगवान कृष्ण आप सब पर कृपा करें, आप सबको अपने जीवन में, अपने कर्मों में सफलता मिले, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।